कोई रोको ना इनको, ये सूरज से मिलने को निकली, कोई टोको ना, ये तो खुद अपनी मंजिल है। डर गई ना? अरे इतना क्यों डर गई तुम? मैं तो मजाक कर रहा था यार, तुम ही मुझे बताओ, मुझे मजाक कर रहा तो किसके पास जाऊं मैं? तुम्हें बिल्कुल तमीज नहीं है मजाक करने की ना। मैं डर गई अभी, तुम हंस रहे हो। मुझे क्या पता तुम इतनी डर जाओगी, मैं तो तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था ना। आई मिस यू सो मच। चलो ना अब गुस्सा छोड़ो ना। अरे वैसे घर पे कोई है नहीं, क्या ख्याल है? सिमिति, अरे अभी तुम आ गए? हाँ हाय। अरे मैं तुम्हारे कंसल्टेंट से ही मिल के आ रहा हूँ अभी। तुम थके हुए लग रहे हो, थोड़ा फ्रेश हो जाओ। मैं भी फ्रेश हो जाता हूँ, फिर बैठते हैं बात कर। अरे हाँ मैं भी बहुत ज्यादा थक गया हूँ, मैं चल 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 चलते चलते चलो प्लीज एक बार प्लीज। आंटी जी है जी, आइए। आप बैठे मैं उन्हें बुलाती हूँ। नमस्कार, आइए अंदर आइए ना। अनीता भी आ गई। कैसी है अनीता? घर में से अगर एक भी बच्चा कम हो जाए ना परिवार अधूरा अधूरा सा लगता है। सच में तेरी बड़ी याद आती है। अपना ध्यान तो रख रही है ना? सच में कमजोर लग रही है। देख बेटा ऐसी हालत में ना ये कसरत वसरत ज्यादा नहीं करनी चाहिए। कसरत? मैं योगा करने गई थी। आइए आप बैठिए ना। जी बैठो बैठो मिली।
रोजी जरा ठंडा लाना। कहिए कैसे आना हुआ? आना तो बहुत पहले चाहिए था, लेकिन हालात ही कुछ ऐसे थे जिनकी वजह से देर हो गई। लेकिन अब माता रानी की कृपा से सब ठीक हो गया। तो जी, हमने फैसला किया कि हम अपने घर में आज रात माता की चौकी रखेंगे। उसी के लिए आपको बुलाने आए थे। मिसेस सेठी, सिर्फ बोल देने से गिले शिकवे दूर नहीं होते हैं। आपके परिवार की तकलीफें दूर हो गई होंगी, पर मेरी फैमिली की प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं। मेरा बेटा घर छोड़ के चला गया और अब मैं उसके ससुराल वालों के साथ किसी जागरण में बैठूं? भाई साहब, बच्चे तो गलतियां करते ही हैं, लेकिन हम बड़ों को तो उन्हें माफ कर देना होता है ना जी। मंजू जी, हम जरूर आएंगे। और वैसे भी अनीता कह रही थी कि वो कुछ ही दिनों में अपने घर वापस चली जाएगी, है ना अनीता? वो हमारे साथ जरूर आएगी, आप चिंता मत कीजिएगा जी। अच्छा, हम चलेंगे, आप आइएगा जरूर। आमिर, ना ख्याल रखना। मॉम, मैंने आपको कहा था ना, मैं वहां वापस नहीं जाऊंगी। जस्ट शट अप अनीता, तुम्हें अपने ससुराल वापस जाना ही होगा। वैसे भी प्रेगनेंसी के आखिरी दिनों में तुम यहीं आओगी, और अपने घर वापस जाने का तुम्हारे पास इससे अच्छा मुहूर्त और नहीं हो सकता, समझी तुम? अगर इतनी ही जबरदस्ती है तो मैं जरूर वापस जाऊंगी, लेकिन माता रानी का शुक्रिया करने नहीं। उस घर में शांति वापस आ गई है ना, तो मैं भी दिखाती हूं कि शांति को भंग कैसे किया जाता है। अरे सिमी, अलमारी की चाबी कहाँ है? मेरे पर्स में रखी है, ले लो। पर्स? यार हमेशा कुछ के आज नहीं हुआ वो कल हो सकता है। आपका राजीव भल्ला। समी के पास क्या कर रहा? उसने मुझे बताया क्यों नहीं? जल्दी फ्रेश हो गए? तो मुझे फिर से परेशान करने आए हो ना?
ये मुझे बरसाती में मिला समी। इस पर्ची का क्या मतलब है? तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो क्या? भल्ला ने ऐसा पर्ची पर क्यों लिखा है? अब हमें भल्ला से क्या लेना देना? अभी छोड़ो ना, आप देखो मैं क्या बना रही हूं। तुम्हें मेरी कसम सिमी, सच सच बताओ, मुझे जानना है अभी अभी वो भल्ला भल्ला ने क्या? भल्ला ने भल्ला ने इस घर के बदले मेरी इज्जत का सौदा करने की कोशिश की। ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई सिमी? इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे छुपाई? मुझसे? उस कमीने ने तुमसे इतनी गिरी हुई बात की कैसे? और तुमने कुछ भी नहीं किया? उसे छोड़ना नहीं चाहिए था सिमी, जान से मार देना चाहिए था उस साले को। इसीलिए नहीं बताया मैंने, तुम्हारे गुस्से की वजह से नहीं बताया मैंने। इसका मतलब अगर आज ये नोट मुझे नहीं मिलता तो ये तो मुझे कभी नहीं पता चलता, क्योंकि तुम तो मुझे कभी नहीं बताती। ऐसा नहीं है अभी, मैं तुम्हें बताना चाहती थी लेकिन फिर मैंने सोचा कि बंदी की बात को मैं क्यों बिगाड़ू। अभी अगर ऐसा कुछ भी वो कोशिश करता ना तो मैं तुम्हें ही बताती, अभी पुकारती। तुम मेरी पत्नी हो सिमी, उसने तुम्हारे साथ इतनी गिरी हुई हरकत की है और मुझे पता तक नहीं चला। उस दिन घर पर भी आया था, मेरे सामने तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा था लेकिन मुझे पता नहीं चला। तुम्हारे सामने वो मुझे उल्लू का पट्टा बनाकर चला गया, लेकिन छुपाया तुमने मुझसे सिमी? छोड़ो ना, अभी खत्म हो गई बात। तुम क्यों परेशान हो रहे हो? ये देखो हमारा ये घर हमें वापस मिल गया, क्या फर्क पड़ता है अभी? फर्क पड़ता है मुझे सिमी, तुमने मेरा विश्वास तोड़ा है सिमी। छोटी सी बात से तुम्हारा विश्वास टूट गया? सिमी, विश्वास छोटी छोटी बातों की वजह से ही टूटता है और रिश्ते भी टूटते हैं।
ऐसा क्यों कह रहे हो अभी? अच्छा मैडम, मेरी गलती है, मेरी गलती कि मैंने तुमसे छुपाया। आई एम सॉरी। जानते हो मैंने तुमसे क्यों छुपाया? तुम्हारी वजह से। मुझे डर लगता है तुम्हारे गुस्से से। अभी तुम्हें पता है, मैं तो भल्ला के पीछे बड़े बाजार में लोहे की रॉड लेके भागी थी। हाँ अभी जहां तक मैं निपट सकती हूँ मैंने निपट लिया ना, खत्म हो गई बात। अगर कुछ और बात आगे होती ना तो मैं तुम्हें बताती ना। अभी अभी तुम जा। नहीं सिमी, हमारे रिश्ते में हर बात शेयर करना, एक दूसरे पर विश्वास करना, ये इंपॉर्टेंट है। तुम्हें मुझ पर जरा भी भरोसा नहीं? अभी है मुझे भरोसा। तुमने मेरे बारे में, मेरे गुस्से के बारे में सोचा? क्या मैं तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में जरा भी नहीं समझ सकता? क्या मैं इतना गैर जिम्मेदार हूं सनी? अब प्लीज मुझे एक्सप्लेनेशंस ये सफाई देकर और जलील मत करो। तुम्हें जो करना था तुमने वो किया, मुझे जो करना है वो मेरी मर्जी। अभी, अभी, अभी मैं तुम्हें सब बताने वाली थी, मैं बताना चाहती थी। अभी 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 अभी, अभी प्लीज मेरी बात सुनो। अभी अभी प्लीज मेरी बात तो सुनो। भल्ला ने इस घर के बदले मेरी इज्जत का सौदा करने की कोशिश की। भल्ला, मैंने कहा सिमी से दूर है। किसे ढूंढ रहे हो यहाँ? ये भल्ला का घर है ना? ए, नहीं था। था? कलावती और गोलू दोनों माँ बेटे शिफ्ट हो गए। शिफ्ट हो गए? कोई आइडिया कहाँ शिफ्ट हुए? यहाँ। तेरे बट्टे 24 करोल बाग। भल्ला हमारे पड़ोस में शिफ्ट हो गया, वो भी एकदम साथ वाले घर में, और मुझे खबर भी नहीं मिली। सिमी ने मुझे ये भी नहीं बताया। सिमी ऐसा क्यों कर रही है मेरे साथ?
कैसे, कौन है आप, कैसे चले आए अंदर? तेरी तो भला काट। सब सब गोलू भैया बड़ी मेहनत साहब के साथ कहीं गए हैं। और क्या क्या छुपाया तुमने मुझसे?